हेलो चिल्ड्रन, आज हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज कैसे बनाते हैं देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, पीछे इसके पॉलिश होती है, ये इसका पोल है, ये एक्सिस है, यहाँ पर कहीं पर फोकस है और यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की दो ही पोजीशन होती है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा मतलब बहुत फार वेरी फार, या फिर पोल के नज़दीक, पोल और पोल से कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। तो पहले इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो वहाँ से जो भी रेज आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, और आफ्टर उसके बाद वो आफ्टर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कि ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। जो भी रे आएंगी वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसके बाद ऐसे डाइवर्ज होंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। पॉइंट साइज, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इन्फिनिटी और इमेज की पोजीशन है एट फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। अब दूसरी पोजीशन है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है, एक रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक आ जाएगी उसी पाथ पर। तो जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। ऑब्जेक्ट जो है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पोल है, इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इमेज है ए डैस बी डैस, इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड साइज में, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज में। तो ये दो पोजीशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की होती हैं और ये इमेज की पोजीशन होती है।